हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ न्यूट्रीजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक एसपीएफ 50 प्लस विथ हेलियोप्लेक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए यूवीबी पीए ट्रिपल प्लस अल्ट्रा लाइट क्लीन फील वाटर रेजिस्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड। गाइज, ये आपको 88 ml के पैकेट में अवेलेबल है और 30 ml के पैकेट में अवेलेबल है। 88 ml आपको 675 के अराउंड पड़ जाएगी, 30 ml अराउंड 260 rupees के पड़ जाएगी। गाइज, 88 ml के पैकेट में आपको टोटल इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड मिलेगी, 30 ml के पैकेट में आपको इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड नहीं मिलेगी। गाइज, तो चलिए गाइज़ इसका रिव्यू करते हैं। तो गाइज़, इस सनस्क्रीन में टोटल 33 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव है। गाइज़, कुछ हमारे स्किन के लिए अच्छे हैं और कुछ हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल है गाइज़। और इसमें गाइज़ पैराबिन है, ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो गाइज़, इसमें जो सबसे पहला इन्ग्रीडियंट है वो है वाटर। सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है होमोसैलेट, जो कि हमारे स्किन को सन के हार्मफुल केमिकल से प्रोटेक्ट करती है। लॉन्ग टर्म में जाकर ये हमारे स्किन में इरिटेशन कॉज कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस इससे हो सकता है गाइस। थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है बेंजोफिनॉन 3, जो कि ऑक्सीबेंजोन के नाम से जाना जाता है। इससे गाइस हमारे स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डार्कनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे हार्मोन डिसरप्ट हो सकती है गाइस। उसके बाद गाइस, इसमें एक केमिकल है जो कि नाम है ऑक्टोक्राइलिन। अगर इसका कंसंट्रेशन 10% है किसी भी प्रोडक्ट में तो ये जाकर सेफ है, नहीं तो हमारे ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकती है, हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है गाइस, तो हमारी ये स्किन कंडीशन को और भी वर्स्ट कर सकती है। एक और इंग्रेडिएंट है गाइस, जिसका नाम है ब्यूटाइल मिथॉक्सी डाई बेंजोइल मिथेन, जो कि एवोबेंजोन के नाम से जाना जाता है। ये भी गाइस, अगर हमारे स्किन सन से एक्सपोज्ड होती है तो ये हमारे स्किन में गाइस एक फ्री रेडिकल्स को रिलीज़ करती है, जो कि हमारे स्किन के लिए सेफ नहीं है गाइस। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गाइस, वो है सिलिका, जो कि सेफ है। उसके बाद है स्टाइरीन एक्राइलेट को पॉलीमर। गाइस, ये कैंसर कॉजिंग केमिकल है। बाकी गाइस, इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ किए गए हैं। और गाइस, ये प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है। हमारी गाइस, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए, जिसके के कारण हमारे स्किन में इचिंग हो सकता है गाइस, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। इसमें और गाइस, दो प्रिजर्वेटिव है, मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन। और गाइस, ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट नहीं है। तो गाइस, आप देखोगे जब आप इसे अप्लाई करते हो तो इसमें थोड़ा वाइट कास्ट आता है। और गाइज़, ये थोड़ा थिक है, इसको ब्लेंड करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइज़, मैं आपको अपना रिव्यू बताती हूँ। तो गाइज़, जिस दिन मैंने इसे ऑर्डर किया था, उसके नेक्स्ट डे मैं इसे आफ्टरनून में मैंने इसे अप्लाई किया था अपने स्किन केयर में। 5 मिनट के बाद गाइज़, मेरे स्किन में एक बर्निंग सेंसेशन होने लगा था। और 10 मिनट के अंदर गाइज़, मेरे स्किन में छोटे छोटे रेड बम्स आ गए थे गाइज़। तो मुझे नहीं पता था गाइस इस प्रोडक्ट से हो रहा है, मेरे को लगा शायद मॉइस्चराइज़र से हो रहा है या फिर मेरे टोनर से हो रहा है। तो गाइस, मैं अगले दिन क्या की, मैंने सिर्फ इसे अप्लाई किया। नेक्स्ट डे मेरे स्किन केयर रूटीन में मैंने सिर्फ ये सनस्क्रीन अप्लाई किया। तो गाइस, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न होने लगी, एक रेडनेस आ गई थी मेरे स्किन पर। मैं इमिडिएटली गाइस फेस वॉश की, और उसके बाद गाइस मैं इसे अप्लाई अभी नहीं कर रही हूँ। गाइस, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ड्राई स्किन है, ये मेरी स्किन पे गाइस नहीं गई। हो सकता है गाइस आपके स्किन पे ये चली जाए, तो आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर ले गाइस। तो गाइस, मेरी टोटल 675 rupees गाइस टोटल वेस्ट हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम गाइस, मैं ये सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करूँगी। अगर आपको कोई अच्छी सनस्क्रीन पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे स्किन पे गाइस ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ है गाइस। तो नेक्स्ट टाइम गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आप उसे छोटे अमाउंट में परचेस करिए गाइस। जैसे मुझे ये 30 ml में परचेस करना चाहिए था, मेरे 675 rupees टोटली वेस्ट हो चुके हैं गाइस। और आप एक पैच टेस्ट अपने नेक के अराउंड ज़रूर कर ले, डायरेक्टली आप अपने फेस पे अप्लाई ना करें कोई भी प्रोडक्ट, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत हो सकता है गाइस। अभी मेरी स्किन की कंडीशन अच्छी है गाइस, इनफैक्ट मैं अभी कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके एक अच्छा सनस्क्रीन ज़रूर बताना।
बाकी गाइस मैं आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसमें ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिससे आगे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं तो गाइस ये सनस्क्रीन नहीं परचेस करने वाली हूँ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एक अच्छा सनस्क्रीन गाइस, और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोज़ पसंद है तो आप प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी गाइज़।